ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, क्यों, कैसे काम करता है, यदि आप वो पिल लेना भूल गए तो क्या होता है और पिल का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, जो पिल का जो काम होता है वो मुख्यतः होता है शरीर में हार्मोन के संतुलन को बदल देना, जिससे कि प्राकृतिक रूप उत्पन्न शरीर में हार्मोन वाला अंडा उत्पन्न ही नहीं होता है। ग्रीवा से निःसृत म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, जो कि ग्रीवा में म्यूकस प्लग बना देता है, जिससे कि वीर्य गर्भ में पहुंचकर अंडे को उर्वर नहीं बना पाता है। अब इस पिल में गर्भाशय का स्तर पतला हो जाता है, जिससे कि उर्वरित अंडे का गर्भाशय से संपर्क कठिन हो जाता है। अभी जो पिल है वो प्रभावशाली कैसे है? अगर इसका उपयोग आप सही ढंग से करते हैं तो 99% से अधिक ये प्रभावशाली होता है। सही ढंग का अर्थ है कि एक भी गोली लेने से नहीं चूकना है और सही समय पर गोली लेना है। अब इसके जो लाभ हैं, पिल लेने के जो लाभ हैं, वो हम आपको बता देते हैं। एक तो बहुत प्रभावशाली होता है, संभोग में बाधा नहीं डालता है, पीरियड्स अधिकतर हल्के, कम पीड़ादायक और अधिक नियमित हो जाते हैं, माहवारी से पहले वाला तनाव दूर हो जाता है, अंडकोश में कुछ प्रकार के काइस्टिस के खतरे को कम करता है, इससे अस्तनों में होने वाले सुसाध्य रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है, अंडकोश और गर्भाशय में कैंसर विकास की आशंका को कम करता है। अभी बहुत महिलाओं के इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। बीमारी महसूस करती हैं बहुत सारी औरतें, महिलाएं, सिर दर्द होता है, अस्तनों में सूजन होता है, थकावट रहती है, संभोग भावना में परिवर्तन होता है, त्वचा में बदलाव जैसे मुहासे हो जाएंगे, तेलीय त्वचा या त्वचा में रंजकता हो जाता है, पैगमेंटेशन हो जाता है, मूड में बदलाव होता है, मूड स्विंग होता है, पीरियड के बीच रक्तस्राव या धब्बे लगना शुरू हो जाता है, जिसके साइड इफेक्ट है। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जिनमें तत्काल सावधानी की जरूरत होती है। उनमें जो शामिल चीज़ें हुए हैं, सिर में तेज दर्द, छाती और टांगों में भयंकर दर्द, टांगों में सूजन, श्वास लेने में कठिनाई, दृष्टि या वाणी में अचानक खराबी, भुजा या टांग में कमजोरी या नमी। अभी ये भी हम आपको बता देते किन परिस्थितियों में पिल नहीं दिया जाता है। यदि आप किसी रक्त वाहिनी से पहले आ चुका है, मतलब जो क्लॉट होता है अगर आ चुका है तो आप नहीं खाएंगे। अधिक अगर आप मोटापा से ग्रसित हैं तो मोटापे वाले महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। व्हीलचेयर पर जो सहारा लेकर चलते हैं उनको ये दवा नहीं खाना चाहिए। मधुमेह का प्रॉब्लम अगर किसी को तो उनको नहीं खाना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले को नहीं खाना चाहिए। यदि आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को 45 वर्ष की आयु से पहले थायरोम्बोसिस, दिल का दौरा या लकवा का स्ट्रोक हुआ तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। तेज माइग्रेन वाले को नहीं खाना चाहिए। यदि आप 35 के ऊपर हैं तो धूम्रपान का इतिहास है, नहीं खाना चाहिए। स्तनपान जो माताएँ कराती हैं उनको नहीं खाना चाहिए। माइग्रेन का इतिहास अगर है तो उनको नहीं खाना चाहिए। अभी पिल का प्रयोग होता है कैसे हम आपको बता देते हैं। 28 पिल्स के पैकेट में आता है। माहवारी चक्र के 5वें दिन से पहला पिल लेना होता है, मतलब माहवारी के पहले दिन को पहला मानकर चलना है आपको। जहां स्टार्ट लिखा होता है, शुरू लिखा होता है, उस ओर से गोलियां लेना शुरू करें। 21 दिन तक हर रोज एक ही समय पर एक पिल लेते रहें। अंतिम 7 दिनों में आयरन रहता है, इसी दौरान माहवारी का समय हो जाता है, फिर से नया पैकेट लेकर शुरू करें। अब यदि कोई आदमी पिल या कोई महिला पिल, आदमी गलत शब्द है, यदि कोई महिला पिल लेना भूल गई तो क्या करना चाहिए? यदि कोई एक पिल लेना भूल जाए तो यह जरूरी है कि याद आते ही ले ले और अगला पिल पहले से निश्चित समय पर ले। यदि लगातार 2 पिल लेना भूल जाए तो 2 दिन तक 2-2 पिल लें और फिर पहले की तरह लेने लगे। यदि कोई 3 या अधिक पिल लेना भूल जाए तो फिर पिल लेना बंद कर दें और अगले महावारी चक्र के शुरू होने तक कोई अन्य जन्म निरोधक लें। यदि महावारी चक्र समय पर शुरू ना हो तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। यदि पिल लेते समय मितली महसूस हो तो फिर क्या करना चाहिए? पिल को रात के समय या खाने के साथ लीजिए।
अभी इसके प्रभाव स्वरूप यदि हल्का सर दर्द हो तो उस वक्त आपको इब्रुफेन, पैरासीटामोल जैसे अन्य कोई पीड़ा निवारक गोलियां लेनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।